दोस्तों, आयुर्वेदिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर लेकर आए हैं एक और चमत्कारिक औषधि। ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसका पत्ता है। अभी इसमें पत्ते नहीं आए हुए हैं, पतझड़ के बाद इसमें पत्ते आने शुरू हुए हैं। गर्मियों का मौसम है तो इसमें देखिए अभी नए नए पत्ते उग रहे हैं। और ये वृक्ष, ये बेल आपको दिखाई दे रही है, जो वृक्ष में भिंडी हुई है, जो वृक्ष में लिपटी हुई है। और ये बेल है, ये है गुरुची। जी हाँ, ये गुरुची है, इसको गिलोय या अमृता कहा जाता है। जी हाँ, देखिए ये जो पेड़ है, ये अर्जुन का पेड़ है। इस अर्जुन के पेड़ में ये बेल गुरुची की भिंडी हुई है, हम इसको तोड़ रहे हैं। देखिए ये गुरुची है और ये आयुर्वेदिक दवा में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये जहाँ तक संभव हो सके आप नीम वाली गुरुची का ही प्रयोग कीजिए। वह है गुरुच, अर्थात वह है अमृता, वह है गिलोय, जो नीम पर लिपटी हो, नीम पर चढ़ी हुई हो, उसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और ना भी मिले तो आप इस अर्जुन की या अन्य वृक्षों पर जो बेल भिंडी हुई है, उसका भी प्रयोग कर सकती है। तो देखिए, ये इसे हम तोड़ रहे हैं, हम काटने के लिए कोई औजार नहीं लाकर लेकर आए, इसलिए हम हाथ से ही काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये गुरुची, ये बहुत सी औषधियों काम आती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस गुरुची से किस तरीक़ा से आप अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर सकती हैं। ये देखिए, ये हम तोड़ करके लाए, और यह देखिए, ये गुरुची का पत्ता है और ये सब गुरुची की बेल है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे पहले हम कुछ औषधियाँ लेंगे और उस औषधियों के साथ में हम गुरुची का प्रयोग करके हम अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर किसी को भी सफ़ेद दाग है तो ये जो गुरुच है इसके टुकड़े कर लीजिए, और उसके साथ साथ हम बता दें अपामार्ग होता है, जो अपामार्ग चूर्ण 250 ग्राम ले लीजिए, और स्वर्ण छेरी यानी कि सत्यानाशी चूर्ण 250 ग्राम ले लीजिए, प्रमाण बीज 100 ग्राम, प्रमाण बीज चूर्ण 100 ग्राम, और करंज बीज चूर्ण 150 ग्राम, और कुटकी चूर्ण 200 ग्राम, और बागसी चूर्ण 300 ग्राम। दोस्तों, नुस्खा एक बार फिर सुन लीजिए, अपामार्ग चूर्ण 250 ग्राम, स्वर्ण छेरी चूर्ण 250 ग्राम, और प्रमाण बीज चूर्ण 100 ग्राम, और करंज बीज चूर्ण 150 ग्राम, और कुटकी चूर्ण 200 ग्राम, और बागची बीज चूर्ण 300 ग्राम। आप इन सभी औषधियों को, जो चूर्ण है, इन सभी औषधियों के चूर्ण लेकर के सभी चूर्णों को मिला करके एक चूर्ण बना लें। और फिर क्या करेंगे आप, ये जो गुरुची है, इस गुरुची को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। आपको छोटे छोटे टुकड़े इस तरीक़ा से करने हैं, मैं जिस तरीक़ा से इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस तरीक़ा से आप इस गिलोय यानी कि अमृता, जिसे गुरुच कहा जाता है, इसके टुकड़े कर लीजिए। और ये टुकड़े जब कर लें तो इन टुकड़ों को कूट लें। इन टुकड़ों को कूट करके आप क्या करेंगे, पानी में डाल लेंगे। अब टुकड़े किस तरीक़ा से करनी है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीक़ा से आप इस गिलोय को ला करके, ताज़ी हरी गिलोय ला करके, और ताज़ी हरी गिलोय को हुई टुकड़ों में बांट लीजिए, अर्थात काट लीजिए। ये देखिए, जिस तरीक़ा से ये मैंने टुकड़े किए हैं, इस तरीक़ा से आप इस गिलोय यानी कि अमृता के टुकड़े कर लीजिए। और टुकड़े करने के बाद इन टुकड़ों को आप कूट लीजिए, और कूट लेंगे तो ये फट जाएंगे, कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। फिर इनको क्या करेंगे, अगर एक किलो आप अमृता लेंगे तो उसमें 5 किलो पानी डाल लीजिए, और पानी डालने के बाद 7-8 दिन इसको उसी में ऐसी पड़ा रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे आप, फिर आपको इस पानी सहित गिलोय को भी आग पर चढ़ा देना है, और आग पर चढ़ाने के बाद आप इसको मंद मंद आग में पकाइए, और जब 1 किलो से भी कम अर्थात 0.5 किलो पानी रह जाए तब इसको उतार करके छान लीजिए। बस छानने के बाद इसी जो ये आपका स्वरस बचा है गिलोय का, इस रस में आप वही चूर्ण डालिए जो मैंने बताया था, जो मैंने अभी बताया था, जो आपने बनाया था, अपामार्ग का चूर्ण, अपामार्ग 250 ग्राम, स्वर्ण छेरी जड़ चूर्ण 200 ग्राम, प्रमाण बीज चूर्ण 100 ग्राम, और करंज बीज चूर्ण 150 ग्राम, कुटकी चूर्ण 200 ग्राम, बागची बीज 300 ग्राम, जो ये चूर्ण थे सभी जड़ी बूटियों को मिलाकर, जो आपने एक चूर्ण बनाया था, इन सभी जड़ी बूटियों जो एक चूर्ण बनाए थे, इस चूर्ण को आप इस अमृता के स्वरस में मिला लीजिए, और मिला करके आप इसके सुखा लीजिए छाया में। जब ये छाया में सूख जाए
तो फिर क्या करेंगे आप, बागची तेल में मिला करके आप अपने सफ़ेद दाग पे लगाइए और फिर देखेंगे आप कि आपको सफ़ेद दाग में कितना लाभ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।